नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे KRK ने जो रिव्यू दिया है बागी 3 का, काहे दिया है। सबसे पहली बात, KRK जी रिव्यू देते थे थर्सडे को, अब देते हैं सैटरडे को भी। सैटरडे खत्म होने लगे तब तक काहे? द आंसर इज जस्ट वन, ब्रांड 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 ब्रांड। फाड़ के रख दी है ब्रांड ने, फाड़ के। जनाब बात कर रहे हैं रितेश देशमुख के फिल्म में बुद्धू होने का। जनाब बात कर रहे हैं फरहाद साहब जी की थर्ड क्लास स्क्रिप्ट का, उनके डायलॉग्स का, उनके करियर का। अहमद खान की तारीफ कर रहे हैं क्योंकि उन्हीं के साथ के हैं, इसलिए भैया क्यों साथ के हैं समझ लो। टाइगर श्रॉफ की तारीफ कर रहे हैं कि भैया वो लड़का है ही बहुत सीधा, सबकी इज्जत करता है, दिल का साफ है जैसे वरुण धवन, तो बुराई कर नहीं सकता। बट व्हाट आई वांट टू सेज, ये रिव्यू का जो ड्रामा थर्सडे को होता था वो सैटरडे को क्यों हो गया? चलो आप दुबई में नहीं थे या थे या नहीं थे उसको छोड़ो, मुंबई में थे जहां मर्जी थे। फिल्म मैं कहता हूँ एक दिन पहले कहीं रिलीज हुई, नहीं उस बात पे भी नहीं जाते। वो रिलीज हुई फ्राइडे को, तो आप फ्राइडे को रिव्यू क्यों नहीं दे रहे? वाई आर यू वेटिंग कि एक दिन की कलेक्शन पता लग जाए, 1.5 दिन की कलेक्शन पता लग जाए, थोड़ा हिसाब आ जाए फिर रिव्यू दूं। तब भी आपने बोला 90 से 100 करोड़, ये फिल्म 125 से 150 करोड़ का धंधा करेगी। हमारी गारंटी, किसकी गारंटी? हमारी। तोहरा नाम नहीं रखा ना बंटी, हमारी गारंटी के बाद तो साला देख लेना। बागी 3, साजिद नाडियाडवाला ने एक फिल्म क्यों बनाई? श्रद्धा कपूर ने फिल्म क्यों की? अरे भैया वो भाग रही है जब टाइगर भाग रहा है, वो नाच रही है जब टाइगर नाच रहा है, वो डायलॉग बोल रही है जब डायलॉग टाइगर बोल रहा है। अरे भैया थोड़ा तो हिसाब रखो अपने रिव्यू में, थोड़ा तो हिसाब रखो। बागी 3, आई टोल्ड यू इट्स अ वीक स्क्रिप्ट, इट्स अ वीक स्क्रिप्ट, एक्सेप्ट इट। बट द काइंड ऑफ एक्शन टाइगर श्रॉफ हैज डिलीवर्ड, इट्स माइंड ब्लोइंग मैन, एंड इट्स समथिंग डिफरेंट। जो समझने के लिए भैया ब्रांड का दिमाग चाहिए, ब्रांड की अकल चाहिए, और एक क्रिटिक क्या होता है वो समझना आना चाहिए, जो हमारे KRK भैया को मालूम नहीं है, मालूम नहीं है। जेस्ट ऑफ लाइफ इज लॉस्ट इन क्वेस्ट ऑफ लक्जरी, जेस्ट ऑफ लाइफ इज लॉस्ट इन क्वेस्ट ऑफ लक्जरी। सिर्फ हमारे देश की बात नहीं, अगर पूरे विश्व की बात करूं तो इस लेवल की पोएट्री समझने के लिए 90% लोग विफल रहेंगे। विफल क्यों रहेंगे? क्योंकि ब्रांड एक है। वो ग्रैंड क्यों है? क्योंकि ब्रांड एक है। जो भी मैं बोलता हूं वो बहुत से लोगों को तब समझ आता है जब मैं उनकी भाषा में बोलता हूं। अगर अपनी भाषा में बात करूं तो आधे लोगों को बात समझ नहीं आएगी। बट वन हैज टू बी ट्रांसपेरेंट टू बी पब्लिक, अदरवाइज रिमेन प्राइवेट। दैट्स द जलवा ऑफ बीइंग द ब्रांड अमित दत्ता, दैट्स द जलवा ऑफ बीइंग द नंबर वन क्रिकेट एनालिस्ट, द नंबर ऑफ वन मूवी क्रिटिक ऑफ दिस कंट्री। नो नो नो, नॉट द कंट्री, वर्ल्ड। ही ऑल्सो डज दिस। बागी 3 कोरोना वायरस हो ना हो 125 से 150 करोड़ का धंधा करेगी, इसी से पता लग जाएगा हम में और
कि अरे भैया में का फर्क है, एक दिन लगा के सब देख के, एक भी नहीं 1.5 दिन लगा के सब देख दाख के दिया तब भी गलत दिया। अरे भैया आदमी हो के गैया, गैया नहीं हो तो तुम हो गधैया, मत पिया करो दिन में अधैया। आपका दोस्त आपका होस्ट बहुत जल्द आऊंगा। महेंद्र सिंह धोनी ने भैया प्रैक्टिस शुरू कर दी है आईपीएल की, लंबे लंबे छक्के मार रहा है गुस्से में, इस बार कुछ धमाल करने वाला आईपीएल में लगता है तैयारी हो रही है T20 वर्ल्ड कप खेलने की। इसका भी रिव्यू बहुत जल्द लेकर आऊंगा। इफ यू वांट टू लिसन अबाउट महेंद्र सिंह धोनीज इंक्लूजन इन इंडियन टीम फॉर T20 वर्ल्ड कप, अपकमिंग T20 वर्ल्ड कप, आईपीएल में वो क्यों खेलेंगे पूरे जोर शोर से, किसी और टूर्नामेंट में क्यों नहीं ले रहे इंटरेस्ट, क्या विराट कोहली कप्तानी करेगा साउथ अफ्रीका की जो 3 वनडे सीरीज है इंडिया में, क्योंकि उन्हें हुक्म दिया गया बीसीसीआई की तरफ से कि आप बांग्लादेश में जाके एशिया 11 और वर्ल्ड 11 का मैच देखिए। बहुत सी हैं उलझने, उन्हें सुलझाने के लिए सिर्फ एक आदमी है, ब्रांड 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 ब्रांड। जेस्ट ऑफ लाइफ इज लॉस्ट इन क्वेस्ट ऑफ लक्जरी, ये कुछ एक अजब सी पंक्ति पैदा कर दी है ब्रांड ने, आपके ब्रांड ने, जैसे विलियम शेक्सपियर कभी पैदा किया करते थे। दुआओं में याद रखना,